फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। तलाकशुदा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया, अपनी पहचान छिपाई और लिव इन रिलेशन में रहे। जब पता चला कि युवक गैर संप्रदाय का है तो दोनों में खासा विवाद हुआ। युवती प्रिया ने 2018 में उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया। अमित गुर्जर बने शमशाद ने बाद में प्रिया को शादी का वादा किया और उसे और उसकी बेटी समेत अपनाने का ड्रामा कर लिया। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए माँ बेटी दोनों की ही हत्या कर दी। गंभीर बात यह रही कि हत्या के बाद दोनों ही शव घर में गाड़ दिए गए। अब जब सहेली ने तलाश की, पुलिस जुटी तो दोहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने बीते दिवस सख्ती बरतते हुए मकान के खिड़की दरवाजे आदि खोल लिए। दोनों शवों की पहचान अब DNA की पुष्टि के बाद ही हो पाएगी। इतना सब हुआ लेकिन शमशाद पुलिस हिरासत से भाग निकला। देर रात पुलिस से हुई मुठभेड़ में वह घायल हो गया, उसके दोनों ही पैरों में गोली लगी है। दरअसल गाजियाबाद की रहने वाली प्रिया की 12 साल पहले मोदी नगर में राजीव से शादी हुई थी। 2 साल के बाद दोनों का तलाक हो गया। 2010 में वह मोदी नगर में अपने 1 साल की मासूम बेटी के साथ रहने लगी, जहां उसने ब्यूटी पार्लर खोला। उसकी फेसबुक पर अमित गुर्जर नामक युवक से दोस्ती हो गई। बात आगे बढ़ी और अमित ने शादी का झांसा देकर प्रिया को मेरठ बुला लिया। यहाँ वे काशीराम आवासीय कॉलोनी में रहने लगे। इसी बीच महिला को पता लगा कि अमित का असली नाम शमशाद है और वह शादीशुदा है। इसे लेकर दोनों में विवाद हुआ। प्रिया ने 2018 में थाना खरखोदा में शमशाद के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। इस पर अमित उप शमशाद ने उसे शादी के लिए राजी कर लिया। एवज में प्रिया ने शमशाद के पक्ष में गवाही दे दी, जिसके बाद प्रिया और उसकी बेटी अमित उर्फ शमशाद के साथ उसके परतापुर थाना क्षेत्र के भूड़भड़ाल स्थित मकान में रहने लगे। इस बीच प्रिया अपनी बेटी के साथ अचानक गायब हो गई। उसकी एक महिला दोस्त ने थाना परतापुर में 14 जुलाई को प्रिया और उसकी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। शक तथाकथित पति व प्रेमी शमशाद पर जताया। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि शमशाद ने उसकी हत्या कर अपने ही मकान के कमरे में दोनों को दबा दिया है। पुलिस ने जब खुदाई की तो दोनों शव बरामद भी हो गए। पुलिस ने बरामद दोनों शव के DNA सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। इससे पहले जब पुलिस उसे भूड़भड़ा ले जा रही थी तो रास्ते में फरार हो गया। रात करीब 3:45 बजे बिजली बम्बा बाईपास पर हुई मुठभेड़ के बाद शमशाद को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके दोनों ही पैरों में गोली लगी है। लोगों का मानना है कि त्वरित न्याय की दिशा में यह मुठभेड़ हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि परतापुर के भूड़भड़ाल गाँव में शमशाद नामक व्यक्ति ने अपने साथ बतौर पत्नी रह रही एक महिला प्रिया और उसकी बेटी की हत्या करके घर में ही एक फर्श के नीचे उसको दबा दिया था और ये अभी फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी थे। आज भोर में लगभग 4 बजे ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में इंस्पेक्टर परतापुर को सूचना मिलने पर दबिश के लिए गए, जहाँ बदमाश से एक परिस्थिति में मुठभेड़ हुई, जिसमें शमशाद जो अभियुक्त है जिसने पुलिस पर फायर किया था, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में घायल हुआ, जिसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। इसके साथ ही अभियुक्त ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है, उसके आधार पर अग्रिम विवेचना सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इसमें अन्य जो अभियुक्त हैं जैसे उसकी पत्नी है, इन सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपका नाम? बलराज डूंगर। बलराज, ये जो मकान तोड़ा गया किसका मकान है, किसने तोड़ा गया? इस शमशाद नाम का व्यक्ति और अमित गुर्जर नाम के एक फेसबुक पर ID बनाता है। लोनी क्षेत्र की प्रिया नाम की व्यक्ति ID से जुड़ती है। हिंदू समझकर दोनों में दोस्ती होती है, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी कि ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। और उसने अपने नाम को छिपाते हुए, अपनी ID को छुपाते हुए उस लड़की के साथ में शादी की। 12 साल की बच्ची वो विवाहिता थी पहले से ही ऑलरेडी, और तलाकशुदा थी वो।
12 साल की बच्ची भी उसके साथ में थी, उस बच्ची को और उस लड़की को उसने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, इस्लाम के द्वारा और जो उनके रीति रिवाज हैं उनको उनको मतलब मैं कह सकता हूं कि उनको मानने से मना कर दिया, तो उन दोनों की हत्या कर दी गई। और ये हत्या भी उस प्रकार की गई कि 4 महीने पहले लॉकडाउन का पूरा प्रयोग करते हुए 4 महीने पहले उस लड़की और महिला दोनों को हत्या करके दफन कर दिया गया। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ उस प्रिया को, उसने हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति को नहीं छोड़ा, इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, उसने मरना स्वीकार किया। जैसे अभी यहाँ लोहिया के अंदर जो पंजाब की लड़की थी उसने भी मरना स्वीकार किया, लेकिन जेहादियों का इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं मेरठ पुलिस को फिर से मैं मेरठ पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा देता हूँ। क्यों देता हूँ? केवल मेरठ पुलिस को खुश करने के लिए नहीं देता हूँ, केवल इसलिए उनका नारा देता हूँ। उसको जिस प्रकार की कार्रवाई मेरठ के SSP महोदय ने की है, पूरा पुलिस प्रशासन लगा, लेकिन मैं इस घटना से ये जो घटना खुली है इससे भी मैं असंतुष्ट हूँ थोड़ा सा। क्यों हूँ? क्योंकि ये केवल शादाब नाम का व्यक्ति नहीं इसमें इन्वॉल्व है, इसमें अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको सहयोग किया होगा, जिन्होंने इस घटना को छिपाया होगा, चाहे वो थाने के लोग हैं चाहे वो उस गांव के लोग हैं। सबका चेहरा सामने आना चाहिए, सबको सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूँ कि इन पर रासुका जैसी कार्रवाई लगनी चाहिए। ये देशद्रोही हैं ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि जो आदमी देश के अंदर रह के ID छुपा कर काम करता हो तो मैं तो उनको देशद्रोही का ही और वो दूंगा। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।